जो है 3 आदमी की मृत्यु हो गई है, एक महिला को निवस्त घुमाया गया है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधियों और गुंडों का राज काम हो गया है, लोग असुरक्षित हैं, बिहार तबाह। मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उसको लेकर कल जदयू जो है सर को पूत्री थे और गृहमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। अरे पहले तो इस्तीफा नीतीश कुमार गृहमंत्री उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो क्यों नहीं इस्तीफा कर रहे हैं? रोज हत्या, रोज मर्डर, रोज रेप, अब इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? बेगूसराय में निवस्त करके महिला घुमाया गया, क्या बोलेंगे अपने चेहरे को देखें? शासन लगाने की सिफारिश करेंगे क्या? कौन मणिपुर अरे शासन लगाने की सिफारिश करेंगे? प्रधानमंत्री नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संवेदना बहुत ही हृदय से व्यक्त की है, घोर अपराध हुआ है, शर्मसार देश हुआ है, उन्होंने कहा है कार्रवाई करने के लिए, सरकार कार्रवाई कर रही है और कहीं भी किसी रूप में अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे, एक कमिटमेंट है। दो महीना से मोदी जी मौन थे, इस तरह की बात कर रहे हैं, कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बने, हमारी इच्छा। नीतीश कुमार पहले माफी मांगे, जाए ना निवस्त करके घुमाए, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? कल बेगूसराय में खुले आंखों से लोगों ने देखा, तीन हत्या मुजफ्फरपुर में हो गई, कोई ऐसा दिन है पटना सहित पूरे बिहार में हत्या नहीं हो रहा हो? क्या देखेंगे, क्या देखेंगे किसी दूसरे को? अपना चेहरा में जाके और सबसे पहले जा करके वहाँ जो गरीब आदमी आम आदमी की हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर है जी, ना लॉ है ना ऑर्डर है, बस उन्हें अपराधियों का राज कायम हो गया है। ये जो विपक्ष सुकवाद है दूसरे चलनिया के, एक सर एक सवाल है, विपक्ष का जो नाम इंडिया रखा गया है, कल दावा कर रहे थे जदयू के लोग जो है कि इंडिया एनडीए को हराएगी आने वाले समय, कौन इंडिया जो गठबंधन का नाम रखा गया है वो तो पता चल जाएगा ना, इंडिया में कौन लोग हैं? वही चेहरे तो हैं, नाम बदलने से आदमी बदल जाता है। पाकिस्तान जो है अपना नाम बदल के अमेरिका रख ले तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, दुनिया का नंबर वन का हो जाएगा, नाम बदलने से इनके चेहरे बदल जाएंगे। अत्याचार भ्रष्टाचार, वही तो भ्रष्टाचारी है जिसने देश को लूटने का काम किया है, बर्बाद किया है, नाम बदलने से चेहरा बदल जाता है, सब वही लोग हैं, आप अपना काम करिए, वही लोग हैं, वही पुराना बोतल है, तेल बदलने से या पानी बदलने से हो जाएगा, निश्चित तौर पर ये लोग वो लोग हैं जिसने देश को लगातार बर्बाद करने का काम किया है, लूटने का काम किया है, ये लुटेरों का जमघट है और अब देश के लिए नहीं आना चाहते हैं, सत्ता के आना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, देश को बर्बादी के कगार पर ले जाने वाले लोग। हमारे 9 साल के माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में देश आगे बढ़ा है, तरक्की किया है, दुनिया में नाम रोशन किया है और आपने देखा होगा नीति आयोग गरीबी से हम बाहर निकालने का काम करें, बिहार भी उसमें है, हर वर्ग हर तबका के लिए काम किया है, कोई वैकेंसी नहीं।